चंदा मुजफ्फरनगर के थानापुर काची कस्बे में विगत दिवस से लकड़ी की टाल पर काम करने वाले कर्मचारी की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मामला दर्ज किया था। वहीं लगातार पुलिस हत्या को खोलने के प्रयास में जुटी हुई थी। देर रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक हत्यारे राजा उर्फ समीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने बताया कि मृतक मयंक पुत्र सुनील कुमार लकड़ी की टाल पर मुनीम का कार्य करता था, तो वहीं लकड़ी की टाल पर ड्राइवर की नौकरी पर रहे राजा उर्फ समीर ने पैसों के लालच में आकर उसकी हत्या की थी। सर, हत्या का खुलासा है क्या? आज ये 19/8/2020 को फुरकाजी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति मयंक अपने घर से गायब हुआ था, जिसको 21/8/2020 को उसका शव बरामद हुआ था। वहीं पास में अज्ञात में ये मुकदमा लिखा गया था 302 में। इसमें विवेचना के दौरान दो अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें एक अभियुक्त राजा और समी में जो आज गिरफ्तार हुआ है, इसका मोटिव यह है कि जो मृतक था मयंक वो ललित के धर्म कांटे पे मुनीम था टाल पे, और यह वहीं पे ये लोग ड्राइवर था, ये राजा वहीं ड्राइवर था। तो इन लोगों को पता चल गया कि उसके पास कुछ पैसे हैं, 50,000 के ऊपर ही पैसे थे। तो इन्होंने मुंह बांध के उसको लूटने का प्रयास किया, पैसा लूट भी लिया, वो पहचान लिया तो वहीं गला दबा के उसको मार दिया था। सर, पुरकाजी में ही आरोपी को बचाने के लिए परिजन और जो वादी है वो हंगामा कर रहे हैं, पुलिस ने गलत केस खोला? नहीं, वो संतुष्ट है। उन्होंने ये कहा है कि जो लकड़ी के टाल का है मुलजिम, जो जिसका टाल है उनको भी बनाया जाए, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि जो है ये दोनों नहीं और भी उसमें है। सर, मतलब कि बहनों ने कहा है कि पुलिस की साठगांठ है और अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो आत्महत्या करेंगी? नहीं, अभी तो विवेचना चल रही है, अभी उस विषय पे भी गंभीरता से छानबीन होगी, और इसमें अगर कोई नाम प्रकाश में आते हैं तो उनको भी पकड़ के भेजा जाएगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन